चलिए, वेरी गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। क्लियर। सबसे पहले हम ये देखते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर कैसा होता है। एक सॉलिड स्फीयर है और जो सेंटर से लेके एक पर्टिकुलर रेडियस ए तक, हर जगह उसके पास चार्जेस ही चार्जेस होंगे। क्लियर। इसके दो केसेस हैं। पहला, हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे फॉर आर लेस देन ए, और दूसरा हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे फॉर आर ग्रेटर देन ए। क्लियर। एक बार हम रेडियस लेंगे इसके अंदर और एक बार रेडियस लेंगे हम इसके बाहर। क्लियर। चलिए, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर केस वन, हम यहाँ पर रिजॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर आर लेस देन ए। क्लियर। तो आप कहीं इस स्फीयर के अंदर हैं और इस स्फीयर से सेंटर से आप मूव कर रहे हैं और यहाँ पर कहीं पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, इसकी रेडियस आर है। क्लियर। चलिए, आर लेस देन ए के केस के बारे में बात करते हैं। तो हमारा गॉस लॉ होता है साय इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड। क्लियर। साय को हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, साय होता है इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डी एस। क्लियर। सिमिलरली हम क्यू को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ रो वी इंटू डी वी। क्लियर। अगर आप इधर की बात कर रहे हैं तो डी क्योंकि कांस्टेंट रहेगा, हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है वो कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, तो मैं डी को बाहर ले रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। क्लियर। सिमिलरली इधर हर एक पॉइंट पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी कांस्टेंट रहेगी, उसको हम बोल देते हैं रो ज़ीरो इंटू डी वी। क्लियर। डी एस सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है आपका 4πr². क्लियर। आर क्योंकि यहाँ तक की क्या है, रेडियस है। रो ज़ीरो इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी वी। डी वी के इंटीग्रेशन की अगर आप बात करें तो आपको जाना पड़ेगा स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डी वी क्या होता है आपका, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। क्लियर। डी आर। तो रो ज़ीरो क्योंकि कांस्टेंट है, मैं इसको अलग अलग ले लेता हूँ, इंटीग्रेशन फ्रॉम इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी आर, और आर कहाँ से कहाँ तक है, ज़ीरो से लेके आर तक, तो ज़ीरो से लेके आर, इंटीग्रेशन ऑफ ज़ीरो से लेके पाए साइन थीटा डी थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ज़ीरो से लेके टू पाए डी फाई। क्लियर। चलिए, अब इन इंटीग्रेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। जो इस साइड आपका चल रहा है वो तो है आपका 4πr² डी इंटू 4πr², यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं डी इंटू 4πr² इक्वल टू के इधर आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, r³/3। क्लियर। तो एक टर्म आ जाएगी हमारी r³, रो ज़ीरो कांस्टेंट, रो ज़ीरो एज इट इज, r³/3। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, और थीटा की लिमिट जाएगी ज़ीरो से लेके पाई तक। क्लियर। और डी फाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2π, यहाँ पर हो जाएगा 2π। तो डी इंटू 4πr² रो ज़ीरो इंटू r³/3। क्लियर। अपर लिमिट डालेंगे तो कॉस पाई होता है -1, लोअर लिमिट डालेंगे माइनस लोअर लिमिट तो कॉस ज़ीरो 1, माइनस से माइनस कैंसिल, ओवरऑल मिलेगा सिर्फ 2 इंटू 2π। तो यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी 4πr² इंटू रो ज़ीरो इंटू 2π इंटू 2, तो जाएगा 4π³। और यही आपका वॉल्यूम भी होता है स्फीयर का। क्लियर। यहाँ से आप देख सकते हैं, दिस इज़ r² है ना, यहाँ से r² ही चला रहा है। क्लियर। पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, r² से r³ कैंसिल, एक r बच जाएगा।
क्लियर? तो यहाँ से आप डी की वैल्यू निकाल सकते हैं, रो ज़ीरो बाय थ्री, रो ज़ीरो बाय थ्री आर, और इसकी डायरेक्शन होगी ए कैप आर, रेडियस की डायरेक्शन में। क्लियर? तो आप देख सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी डी है वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगर आप स्पीयर के अंदर हैं तो। जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी डी इंक्रीज होगी, बढ़ते जाएगी। क्लियर? चलिए अब हम केस सेकंड लेके सॉल्व करते हैं। केस टू, व्हेन आर इज ग्रेटर देन ए, कहीं हम बाहर आ गए हैं स्पीयर के। सेकंड केस है, ये रहा अब आपका आर, व्हेन आर इज ग्रेटर देन ए। क्लियर? फिर से वही, साई इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड। क्लियर? साई हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डी एस। क्लियर? क्यू हो गया इंटीग्रेशन ऑफ रो वी इंटू डी वी, क्योंकि डी कांस्टेंट है यहाँ पे हर एक पॉइंट पर, तो डी मैं बाहर ले रहा हूँ। और इंटीग्रेशन ऑफ डी एस अभी हमने करा था 4πr². मान लेता हूँ हर एक पॉइंट पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो भी कांस्टेंट है, तो मैंने रो ज़ीरो बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी। अभी हमने देखा था कि जो डी वी स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आपको लिखना है तो आप लिखते हैं आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई डी आर। क्लियर? फिर से मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ, ये हो जाएगा रो ज़ीरो इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी आर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। क्लियर? डी फाई की लिमिट जाएगी ज़ीरो से लेके 2π तक, साइन थीटा की लिमिट जाएगी ज़ीरो से लेके पाई तक। बचा r। अब देखिए यहाँ पे लास्ट टाइम आपने जो लिमिट डाली थी वो डाल दी थी ज़ीरो से लेके r तक, क्योंकि r जो है वो स्पीयर के अंदर था और r तक चार्ज प्रेजेंट था। क्लियर? अगर आप यहाँ पर देखें, आप अब r ग्रेटर देन a की बात कर रहे हैं। क्लियर? r ग्रेटर देन a पे क्या इस पॉइंट पर चार्जेस प्रेजेंट हैं क्या? नहीं, इस पॉइंट पर चार्जेस प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि ये जो आप डेरिवेशन कर रहे हैं ये चार्ज एनक्लोज्ड के लिए कर रहे हैं। तो चार्ज एनक्लोज्ड में जहाँ तक चार्जेस प्रेजेंट रहेंगे वहीं तक की रेडियस हम लेते हैं, तो आर तक की रेडियस नहीं ले सकते क्योंकि आर के ऊपर चार्ज रखा हुआ नहीं है। तो मैक्सिमम चार्ज कहाँ तक रखा हुआ है? मैक्सिमम ए रेडियस तक चार्ज रखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको आर की लिमिट डालनी पड़ेगी जीरो से लेके ए तक। क्लियर? चलिए इसको अब रिजॉल्व कर लेते हैं हम यहाँ पे। इधर तो आपकी क्वांटिटी वही चली आ रही है। क्लियर? डी इंटू 4πr² इज इक्वल टू रो ज़ीरो कांस्टेंट। क्लियर? ये हो जाएगा r³/3 और अपर लिमिट डालेंगे a और लोअर लिमिट डालेंगे ज़ीरो, तो ये हो जाएगा सिंपली a³/3। क्लियर? अगेन साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपली आपका 2 इंटू, यहाँ से अब इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा 2π। क्लियर? तो डी इंटू 4πr² इज इक्वल्स टू रो ज़ीरो इंटू a³/3 इंटू 4π। क्लियर? 4π से 4π कैंसिल, डी इज इक्वल्स टू रो 0/3 इंटू a³/r² और डायरेक्शन हो जाएगी ए कैप आर। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे आपकी डी की वैल्यू डिक्रीज होते जाएगी, तो स्पीयर के बाहर अगर आप आर बढ़ा रहे हैं तो डी की वैल्यू डिक्रीज होगी, और स्पीयर के अंदर से उसकी रेडियस तक अगर आप आर बढ़ा रहे हैं तो डी की वैल्यू इंक्रीज होगी। द डिफरेंस बिटवीन केस 1 एंड केस 2। थैंक यू।